एग्जाम क्या आपका मैम? एग्जाम अच्छा था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार आप किए? पहली बार एग्जाम। मीडियम कौन सा था आपका? मेरा इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम था। हाँ हाँ, तो कैसा मतलब पेपर था इस बार का? स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो मेरे को ऐसा कुछ एनसीईआरटी का यूज ऐसा मेरे को लगा नहीं, क्योंकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एनसीईआरटी एक नोट्स के फॉर्म में होती है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो उसमें से थोड़ा सा अगर मतलब अगर पास करना है तो आपको स्टैंडर्ड पे फैक्ट्स याद कर लो। हाँ। वो नहीं कर पाए होंगे। अच्छा अच्छा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। हाँ, बहुत अलग से था, कुछ पूछा गया था? एग्रीकल्चर से पूछा गया, एनवायरनमेंट से पूछा गया। अच्छा। और वैसे सभी सेक्शन से पूछा गया है, पर क्वेश्चन ना वैसे नहीं थे कि आप बस रट के आए और आपने कर दिए। अच्छा, अच्छा। कि बस जैसे जनरली पॉलिटी है तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट। इस वक्त मैं दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हूँ और देश की सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ पर चल रही है। कुछ ही देर में यहाँ से स्टूडेंट बाहर निकलने वाले हैं। और आज आप लोगों को पता है कि 10 अक्टूबर 2021 है, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे ही स्टूडेंट निकलेंगे उनसे हम बात करने वाले हैं कि उनका अटेम्प्ट कौन सा था, मीडियम कौन सा था, कैसा एग्ज़ाम गया, प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी रही, तमाम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था। मीडियम कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। तो मतलब प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया था इस बार पिछला बार की तुलना में? बेसिकली एग्रीकल्चर से ज़्यादा था और बहुत जर्नलिस्ट सा ट्रेंड पूछा। अच्छा। हुआ था, हटके क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। हाँ, और शायद कट ऑफ पिछली बार से भी नीचे जाएगा। कट ऑफ पिछली बार से कम जाने की संभावना है। जिन्होंने जैसे अच्छे से प्रिपरेशन की है वो इसको अच्छे से कर देंगे, पर जो बच्चे सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ के आए हैं ये सोच के कि फैक्ट्स फैक्ट्स याद कर लो। हाँ। वो नहीं कर पाए होंगे। अच्छा अच्छा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। हाँ, बहुत अलग से था, कुछ पूछा गया था? एग्रीकल्चर से पूछा गया, एनवायरनमेंट से पूछा गया। अच्छा। और वैसे सभी सेक्शन से पूछा गया, पर क्वेश्चन ना वैसे नहीं थे कि आप बस रट के आए और आपने कर दिए। अच्छा, अच्छा। कि बस जैसे जनरली पॉलिटी है तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट से पूछ रहे हैं, अलग चीज़ें पूछी। और सबसे खास बात, इस बार स्पोर्ट्स से पूछा। अच्छा। जो पहले नहीं पूछते थे। अच्छा, अच्छा। पिछले 7-8 साल में नहीं पूछा था, 2010-11 में पूछते होते थे, इस बार 3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा मैम, लोग बताते हैं कि रोजर पे। हाँ जी, हाँ जी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन मतलब यूपीएससी में कुछ? हाँ हाँ, कुछ फायदा लग रहा था एनसीईआरटी का। हाँ जी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप आराम से पेपर कर सकते थे, आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जो एक बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस वाले एग्जाम के लिए। जैसे डोमिसाइल का पूछ लिया, जनरल जनरल चीज़ें बहुत पूछी, एग्जैक्ट नहीं पूछा कि कोई एग्जैक्ट लॉ पूछा हो, बहुत जनरल और अच्छी चीज़ें पूछी हुई थी। पेपर अच्छा बना हुआ था। हाँ, और थोड़ा सा हटके बनाने का ट्राई किया हुआ था ताकि बच्चे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करें। रहा आज का? अच्छा था। अच्छा था। प्रश्न जो है किस हिसाब से पूछा गया था? ठीक था, कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा, पिछला बार आपने प्रश्न देखा होगा और इस बार में क्या अंतर नजर आया? ठीक, सेम ही था लगभग। मतलब किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था? साइंस का? साइंस का ज़्यादा, साइंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा पूछा गया। हाँ, था। करंट अफेयर कैसा पूछा गया था? करंट उतना नहीं था, इतना करंट अफेयर नहीं था, है ना। बाकी आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। अटेम्प्ट कौन सा था? ये फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट था। एग्जाम अच्छा था। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार आप किए? पहली बार। एग्जाम मीडियम कौन सा था आपका? मेरा इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम था। हाँ हाँ, तो कैसा मतलब पेपर था इस बार का? स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बायो से थे तो वो इजी लग रहे थे। अच्छा। और पॉलिटी वाले वो मुश्किल थे, वो अभी तैयारी नहीं कर रखी है। अच्छा। और ओवरऑल देखा तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था। मॉडरेट पूछा गया था। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम आपको। कैसा एग्जाम गया आपका? ओके ओके था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट पोर्शन नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा स्पोर्ट्स का एक नया स्टार्ट कर दिया, आईसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस थे। मीडियम कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। और अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। बाकी कैसा लग रहा है पेपर देखे, कितना संभावना बन रही है सिलेक्शन की, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकते, टोटली डिपेंड। अच्छा, लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए, तो क्या कुछ ऐसा आपको फ़ायदा लग रहा था एनसीईआरटी पढ़ने का? देखो, एनसीईआरटी बेसिकली उनके लिए है जिनका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ट्यूशन क्लासेस देती हूँ एक्चुअली, तो मेरी एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी कवर की हुई थी, तो मेरे को ऐसा कुछ
एनसीईआरटी का यूज़ ऐसा मेरे को लगा नहीं, क्योंकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एनसीईआरटी एक नोट्स के फॉर्म में होती है लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसमें से थोड़ा सा अगर मतलब अगर पास करना है तो आपको स्टैंडर्ड पे जाना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी अगर आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम हुआ, अच्छा हुआ। कैसा प्रश्न पूछा गया था? बेसिक था, लाइक जैसे कि एनसीईआरटी या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें हैं, तो एवरी ईयर जैसा स्टैंडर्ड यूपीएससी का वैसा ही आया एग्जाम, वैसे ही आया है। हाँ, बस कुछ ये चेंजेस थी, जैसे कि इस बार स्पोर्ट के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट के थे, मतलब जैसा कि पिछले 3-4 साल का ट्रेंड रहा है कि स्पोर्ट्स से बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे। इस बार ऐसे आईसीआईसी वर्ल्ड कप होता है अपने क्रिकेट का, उसमें राइट क्वेश्चन पूछा गया, कहीं ना कहीं एक ओलंपिक से था, तो कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड आया है जो पिछले साल नहीं था। आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम था मेरा। अटेम्प्ट कौन सा? फर्स्ट। तो पहली बार एग्जाम दिए हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बाकी देखते हैं सीसेट के बाद कैसा क्या होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य अध्ययन से भी सही था, लेकिन जो मतलब कि जैसे करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसमें किसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था? हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन था हिस्ट्री में? अच्छा, किससे हिस्ट्री में? एनिशेंट में, मीडियम? नहीं, मेडिवल से। मेडिवल से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है ना। और मीडियम कौन सा था आपका? मीडियम मेरा हिंदी था। हिंदी मीडियम से थे आप। और अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट। चलिए ठीक है।